तो दोस्तों आज हम बात करेंगे FCS सॉफ्टवेयर के स्टॉक के बारे में। FCS सॉफ्टवेयर के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको अप्रैल से ही यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में लगातार हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जो स्टॉक है वो यहाँ पर लगातार अपने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा है। स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर सपोर्ट लिया जिसके बाद हमको यहाँ पे स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है और आज भी हमको यहाँ पे स्टॉक में 3.39% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से भी हम स्टॉक में बात करें, अगर यहाँ से स्टॉक में तेज़ी कंटिन्यू रहती है तो यहाँ से भी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे स्टॉक में 3.10 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 3.45 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 3.80 इसके बाद हमको यहाँ पे स्टॉक में 4 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 4.50 इसके बाद हमको यहाँ पे स्टॉक में 5 और 5.56 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 2.95 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 2.80 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 2.50 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।